नमस्ते फ्रेंड्स, मैं मधुलिका वत्सल आप सबका फूड कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ दाल मखनी। जी हाँ, रेस्टोरेंट से भी बढ़िया बनेगी हमारी दाल मखनी। बहुत ईजी है इसे बनाना। मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, इसे बहुत ही आसानी से आप घर पर इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दाल मखनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये साबुत काली उड़द ली है। यह मैं एकदम साबुत है और ये इजीली किसी सुपरमार्केट और ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाती है। दाल मैंने आधा कप ली है। 2 चम्मच के करीब मैंने ये राजमा लिए हैं। राजमा कोई भी लाल या फिर सफ़ेद वाले ले सकते हैं। इन दोनों को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया था। उसके बाद में मैंने इन्हें रात भर 8 से 10 घंटे के लिए अच्छे से भिगो दिया है। दोनों को मिक्स करके ही मैंने एक साथ भिगो दिया था और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से दाल फूल चुकी है और राजमा भी काफ़ी अच्छे से फूल चुका है। इसे यदि 8 से 10 घंटे आप अच्छे से भिगोएंगे तो दाल बहुत ही बढ़िया और थिक बनती है। और अब इस भीगी हुई दाल को हम उसी पानी के साथ में प्रेशर कुकर में डाल देंगे। आप इस पानी को वेस्ट ना करें, इस पानी में काफ़ी फ्लेवर होता है दाल का और राजमा का। उसी के साथ इसमें डालें और करीब 1 गिलास पानी डालें। हमें इसे काफ़ी टाइम तक बॉईल करना होता है, तो पानी आप अच्छे से डालें, साथ ही में नमक डालें और ढक्कन लगा के हम इसकी 2 विसल हाई फ्लेम पर ले लेंगे और उसके बाद में फ्लेम को लो कर देंगे और 20 मिनट के लिए इसे अच्छे से उबलने देंगे। ऐसा करने से दाल बहुत ही बढ़िया रिच और क्रीमी बनती है और काफ़ी अच्छे से गाढ़ी हो जाती है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में मैंने खूब अच्छे से घी लिया है। जी हाँ, दाल मखनी घी में ही बनती है, इसे तेल में ना बनाएं। घी अच्छे से गर्म करें और उसमें आप जीरा डाल के इसे अच्छे से तड़का लें। अब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और साथ ही में बारीक कटी हरी मिर्च डालकर इसे अच्छे से भुनेंगे। इन्हें हमें लो फ्लेम पर ही खूब बढ़िया अच्छे से भुनना है। प्याज जितना अच्छा सुनहरा भुनेगा दाल का फ्लेवर उतना ही बढ़िया आएगा। ध्यान रखें इसे लो फ्लेम पर ही बनाएं। रेस्टोरेंट्स वाले इसे एकदम लो फ्लेम पर बनाते हैं, काफ़ी टाइम लगाते हैं और उसी के बाद में आपको वह दाल मखनी का रिच और बढ़िया अरोमा मिलेगा। आप देख सकते हैं प्याज काफ़ी अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम यहाँ पर 1 चम्मच के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। यदि आपके जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं है तो यहाँ पे आप कद्दूकस की हुई अदरक और बारीक कसी हुई लहसुन डालकर भी इसे बना सकते हैं। अब इसे अच्छे से भून लें और इसे जब अच्छे से भून लेंगे और इसका कच्चापन निकल जाएगा तब हम इसमें सभी सूखे मसाले डालेंगे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच के करीब, लाल मिर्च पाउडर डालें, हल्दी पाउडर डालें और धनिया पाउडर डालकर इसे हम अच्छे से हिला लेंगे। करीब 1 मिनट में मसाला अच्छे से पक जाएगा। इसे कंटिन्यूस हिलाते रहें, फ्लेम को लो पर ही रखें। हमने दाल को भी लो फ्लेम पर ही बॉईल किया था ताकि इसमें खूब बढ़िया अरोमा आए। अब हम इसमें करीब 1.5 कप टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और इसे 7 से 8 मिनट तक अच्छे से लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसके साथ ही आप यहाँ पर नमक भी डाल दें। नमक डालने से टमाटर जल्दी से पकता है और समय कम लगता है, तो जब भी आप टमाटर डालें उसी के साथ में नमक डाल दें तो हमारा कुकिंग प्रोसेस थोड़ा कम हो जाएगा। और इसे हिलाते हुए अच्छे से पकाएं। जब ये मसाला हमारा अच्छे से तैयार होगा तभी दाल का असली स्वाद आएगा। इस मसाले में हमने सब घर पर मिलने वाले इजी अवेलेबल मसाले डाले हैं। आप देख सकते हैं मसाले ने काफ़ी अच्छे से अपना फैट छोड़ दिया है। ग्रेवी काफ़ी अच्छे से पक रही है हमारी। फ्लेम को लो पर ही रखें और कंटिन्यूस हिलाते रहें क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा पानी यूज़ नहीं किया है। हमें यहाँ पर इसी तरह से गाढ़े फॉर्म में ही इसे पकाना है। अब 20 मिनट के बाद में हम इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे और उसके बाद में हम चेक करेंगे कि हमारी दाल और राजमा अच्छे से मैश हुए हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं दाल काफ़ी अच्छे से उबल चुकी है और राजमा भी एकदम मैशी हो गया है, तो यानी कि हमारी अच्छे से उबल चुकी है। इसे आप अब तैयार मसाले में डाल दीजिए। तो इस तरह से एक गैस पर आप मसाले को बनाएं और एक गैस पर आप इस दाल को बॉईल कर लेंगे तो ये हमारी फटाफट से दाल बन जाएगी। होटल में इस दाल को रात भर तंदूर में ऊपर रख दिया जाता है तो तंदूर में जो थोड़ी बहुत राख होती है गरम, उससे ही दाल उबल कर तैयार हो जाती है और उसकी सौंधी सौंधी खुशबू आती है। अब अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा पानी डालें और इसे अच्छे से पकने दें। आप देख सकते हैं अभी दाल अलग है और पानी अलग है। हमें इसे इतना पकाना है कि दाल अच्छे से गाढ़ी हो जाए और दाल में जो स्टार्च होता है वह पानी में आ जाए। ऐसा करने से दाल की थिकनेस बहुत ही बढ़िया और रिच और क्रीमी हो जाती है। इसीलिए इस दाल को दाल मखनी कहा जाता है क्योंकि खूब गाढ़ी और बढ़िया और वेलविटी टेक्सचर की हो जाती है। यदि दाल आपकी गाढ़ी नहीं हो रही है तो इसका मतलब दाल अच्छे से उबली हुई नहीं है।
तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दाल को अच्छे से धोएं, भिगोएं, उसके बाद में अच्छे से उबालें, उसके बाद में ही इसे मसाले में डालें। अब हम यहाँ पर ढेर सारा बटर डालेंगे और साथ ही में हम फ्रेश क्रीम डालेंगे। यदि फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप यहाँ पर घर की मलाई भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा गर्म मसाला डालकर हम इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। बटर और मलाई जाते ही दाल का टेक्सचर और कलर एकदम चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं कितनी रिच और टेस्टी लग रही है ये, और इसका टेक्सचर भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है और कलर भी एकदम चेंज हो गया है। तो इसी कारण से इस दाल का रंग रूप और टेस्ट एकदम डिफरेंट होता है दूसरी दालों से, और इसीलिए सभी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और रेस्टोरेंट्स में अक्सर जाकर इसे ऑर्डर करते हैं। तो इस बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान है इसे बनाना, पर आप ध्यान रखें इसे खूब अच्छे से भिगोएं ताकि हमारी दाल झटपट से और फटाफट से बन सके। दाल बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लग रही है, आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो गई है। बस इसी कंसिस्टेंसी की दाल हमें यहाँ पर चाहिए। ये ठंडी होने के बाद में और थोड़ी गाढ़ी होती है, पर यदि आपको यहाँ पर गर्मा गर्म सर्व करनी है तो ये दाल एकदम परफेक्ट है। अब इसमें आप फ्रेश धनिया डालें और इसे आप गर्मा गर्म लच्छा पराठा रोटी नान के साथ में सर्व करें। मैं लच्छा पराठा रोटी नान की रेसिपीज ऑलरेडी दे चुकी हूँ, आप ज़रूर वो चेक करें। अब गर्मा गर्म दाल मखनी को फ्रेश क्रीम से गार्निश करें, धनी से गार्निश करें और एंजॉय करें। तो हम कितनी आसानी से घर पर ही रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जियां और करी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो घर पर शुद्धता, सात्विकता और इसी तरह से प्योरिटी के साथ में चीज़ें बनाएं और घर पर ही खाने को एंजॉय करें। और इसी तरह की और रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको किस तरह की और रेसिपीज़ चाहिए हमें ज़रूर बताएँ। थैंक यू।